वेस्टर्न गार्ड्स में हम लोगों ने देखा कि ये एक कम्युनिटी है जिनकी ओरिजिन बिल्कुल अफ्रीकन लगती है। उनकी स्टैमिना, उनका तो स्पोर्ट्स का तो जो उनमें शौक था, ये सब देख के हम लोगों ने उधर एक सिलेक्शन प्रोसेस शुरू कर दिया स्पेशल एरिया गेम्स में। और उधर से बहुत से सिद्धि हमारे स्कूल के बच्चे ही नहीं, थोड़े बड़े स्कूल होने के बाद भी हम लोगों ने सिलेक्ट करके उनको स्पेशल हॉस्टल यहाँ बेंगलुरु में खोल दिया। उन्हीं का काना, नहीं तो नहीं आते हैं, उन्हीं का काना, और वो कुंकनी भाषा बोलते हैं। कुंकनी बोलने वाला एक वार्डन रखा, उनका काना उधर रख के उनको ट्रेनिंग दिया। वेरी गुड रनर्स, फास्ट रनर्स, एथलेटिक्स में इनका बहुत ही टैलेंट था। तो मैंने यहाँ बेंगलुरु में एक सेंटर खोल दिया, SAI सिद्धि हॉस्टल, और यहाँ उनको ट्रेनिंग देने को शुरू कर दिया। पर वो बिल्कुल बेयर फुट, शूज़ के बिना भागते थे। शूज़ डाल के उनको एथलेटिक्स करना मुश्किल था। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ उनको आस्ते से ट्रेनिंग देके फिर उनको SAI हॉस्टल दिल्ली को लाया। दिल्ली में उनको इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के शूज़ और आउटफिट्स सब कुछ उधर देके ट्रेनिंग शुरू कर दिया। ये बोलेंगे तो दूसरी एरियाज़ में, स्पेशल अभी हरियाणा में अखाड़े में मट्टी में तो कुश्ती होती है, कोई भी मैट्स के ऊपर कुश्ती करने को तैयार नहीं थे। हमने 40 मैट्स इंपोर्ट करके अखाड़ों में मैं खुद जाती थी बैठ के। मैंने गुरु हनुमान थे तब बहुत फेमस ट्रेनर थे, तो उनको कन्विंस करके एक एक अखाड़े में बैठ के उनको ये मैट्स दे के फ्री उसमें ट्रेनिंग शुरू कर दिया। और वो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में जाके जीतने लगे। इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स मट्टी में नहीं होते हैं, मैट्स ही होने हैं। तो इसी तरह से ये सिद्धि के लड़के जब दिल्ली गए हैं तब दिल्ली में उनको भी इंटरनेशनल थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर शुरू कर दिया। और सिलेक्शन हुआ इन लोगों का बॉक्सिंग में, एथलेटिक्स में, और क्या बोलते हैं, और ये गेम था हॉप स्टेप एंड जंप, यू नो ऑल एथलेटिक गेम्स। ऐसे बहुत स्टेमिना है इनमें। तो एशियन गेम्स में गए, साक गेम्स में गए, सिलेक्शन हुआ, एशियन गेम्स तक पहुँचे, एंड दे डिड वेरी वेल। तो इससे पता लगा कि इनको थोड़ा सा आगे बढ़ाने का मौका देंगे तो हमारे लिए बहुत मेडल्स आ सकते हैं। तो दैट वाज द आइडिया। स्पेशल एरिया गेम्स तो उन्हीं के लिए नहीं, बहुत से कम्युनिटीज़ के लिए हम लोगों ने शुरू किया था। नॉर्थ ईस्ट में तो बॉक्सर्स बहुत अच्छे हैं, बंगाल में और उस एरिया में फुटबॉलर्स, उनको बहुत शौक है फुटबॉल का। तो वी डेवलप्ड स्पेशल गेम्स इन स्पेशल एरियाज, इसको स्पेशल एरिया गेम्स का स्कीम शुरू किया। सिद्धीज में अभी भी टैलेंट बहुत है, पर सरकार बदलते हैं, मंत्रालय में बदलाव आता है, जो भी हम शुरू करते हैं उसको ख़त्म कर देते हैं। तो यही हुआ अभी सिद्धिस का। मैं अभी बात कर रही थी कि इसको फिर शुरू करेंगे तो इन लड़कों को तो बहुत कुछ, और स्पोर्ट्स में जॉब कोटा भी होता है, तो इसके लिए इनके टैलेंट से रेलवेज में बहुत से सर्विसेज में उनको जॉब्स मिलने लगे। तब तो सब में बहुत उत्साह आ गया कि जॉब मिल सकते हैं तो हम भी जाके पार्टिसिपेट करें। ये तो मैं तो मंत्री बनी 84 में, 84 to 90 मैंने बहुत बिल्डअप किया इसको, यही नहीं पूरे देश में। तो 90 के बाद मैं थी नहीं मंत्रालय में, नए लोग आ गए तो पता नहीं क्या चेंजेस लाए, पॉलिसी चेंजेस हो गए। उसके बाद और एक इश्यू हुआ था जो उनके स्टेटस का था,
तब तक उनको कोई स्पेशल फैसिलिटीज नहीं मिलते थे और स्पोर्ट्स में ही तो आगे आते थे। और मैंने 78 में मैं पार्लियामेंट गई, 74 में, 74 से मैंने इंटरेस्ट लेने शुरू किया था इन लोगों में। और मैं देखती थी कि ये लोग कहाँ से आए हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है, इनकी हिस्ट्री क्या है। तो उधर मैंने थोड़े लोगों को लगा के एक सर्वे करवाया कि इनका बैकग्राउंड क्या है। देखिए उनको तो कन्नड़ा में काड़ू जना बोले तो ट्राइबल्स इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के लोग करके बुलाते थे उनको। कोई जमी फॉरेस्ट में रहते थे, कोई हट्स बना के, कुछ झोपड़ी बना के उनको जमीन नहीं देते थे कि ये एनक्रोचर्स है फॉरेस्ट लैंड में, बिकॉज दे आर रिजर्व फॉरेस्ट। तो पानी के लिए एक कुआं भी नहीं निकालने देते थे कि ये एनक्रोचर्स है। कोई गवर्नमेंट स्कीम्स नहीं, हाउसिंग है तो उनको नहीं मिलता था, ये तो एनक्रोच लैंड है। और एजुकेशन नहीं था, और देवर लाइक बॉन्डेड लेबर। मैं बोलूँ तो उधर बहुत से ये एरिकनट गार्डन्स हैं, वो एरिकनट गार्डन में काम करते थे। और कोई उनको तो तंका की बात नहीं थी, उनको चावल और कुछ देते थे हाथ में, और जाके बेचारे फॉरेस्ट में जो मिलता था कुछ उसका सब्जी वब्जी बना के खाते थे। हालत बहुत खराब थी, एजुकेशन नहीं था, काम के लिए यही तो नौकरी मिलती थी और दूसरा कुछ था नहीं। मैंने 74 में जब ये सर्वे शुरू कर दिया तो उसके बाद 78 तक मुझे बहुत इन्फॉर्मेशन मिला। और उधर एक जेजुइट फादर्स का इंस्टीट्यूशन है नॉर्थ कैनरा में, तो वो भी इनको बहुत ट्रेनिंग देते थे। एक कारपेंट्री वर्कशॉप उन्होंने शुरू किया था जहाँ ये लड़कों को ट्रेनिंग मिलता था इलेक्ट्रिशियन का काम करने के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि ये कौन है, ये लड़के कहाँ से आते हैं ये सब लोग, तो उन्होंने मुझे पूरा बैकग्राउंड तैयार करके दे दिया। तो 78 में मैं पार्लियामेंट में बैक बेंचर थी, मैं 74 में गई थी, 78 में मैंने राज्यसभा में एक पिटिशन प्रेजेंट कर दिया, उसके लिए रूल्स हैं। तो मैंने इन लोगों के तरफ से सिद्दीज ऑफ नॉर्थ कैनरा, वो मेरा फादर इन लॉ का कॉन्स्टिट्यूएंसी था पहले, 52 to 67 माई फादर इन लॉ वॉज MP फ्रॉम दे। तो मैं जाती थी उन लोगों के साथ कभी, 64 में मेरी शादी होने के बाद मैं कभी उनके साथ टूर करती थी, देखती थी, मुझे बहुत नॉर्थ कैनरा का तो एक बैकग्राउंड था। 74 में मैं जब राज्यसभा में गई, मैंने इस डिस्ट्रिक्ट को अडॉप्ट कर दिया एज माई डिस्ट्रिक्ट। तो उधर बहुत स्कीम्स मैंने मेरे MP फंड से शुरू किए, काम करती थी। और ये सिद्दीज के लिए मैंने सोचा कि कुछ करना ही चाहिए, तो ये पिटिशन मैंने 78 में प्रेजेंट कर दिया कि इनको ST स्टेटस होनी चाहिए, क्योंकि इनकी हालत बहुत ख़राब है, बहुत बैकवर्ड हैं, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, सोशली, फाइनेंशियली कुछ नहीं है। तो वो पिटिशन कोई आसान की बात नहीं थी, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट को भेज दिया, राज्यसभा से स्टेट से डिस्ट्रिक्ट को आ गया। इसका तो गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का सर्वे करना पड़ा इन लोगों का। तो विलेज टू विलेज जहाँ जहाँ है ये लोग, 3 कम्युनिटीज थे, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और हिंदूज। तो इनका सर्वे करना पड़ा, उनका एजुकेशनल स्टेटस क्या है, इनका इनकम क्या है, क्या खाते हैं, किस तरह से कहाँ रहते हैं, ये सब सर्वे करके मैंने 78 का जो पिटिशन था वो घूमते रहा, मैं चेस करती रही। वो विलेज लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल को आया पूरा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैंने दिया था ये ठीक है या नहीं है करके सरकार से, तो इसको तो चेक करना था। ये करके उधर से डिस्ट्रिक्ट से स्टेट लेवल को आया, स्टेट लेवल में कांग्रेस का सरकार था,
तो उनके पीछे पड़ के कुछ ना कुछ करके आगे बढ़ा के मैंने स्टेट गवर्नमेंट से रिकमेंडेशन दिल्ली को भेजा। दिल्ली में इसको एसटी कमीशन को जाना था, सेंसस कमीशन को जाना था, होम मिनिस्ट्री को जाना था, एक 4-5 मिनिस्ट्रीज में पेपर घूमता रहा, पर मैंने छोड़ा नहीं। आई चेस्ट इट राइट थ्रू 90s। फाइनली 2003 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया डिक्लेयरिंग द सिद्धीज ऑफ नॉर्थ कैनरा एज एसटीज, नॉर्थ कैनरा। उस दिन मैंने तो पार्लियामेंट में भाषण किया एंड आई हैड टीयर्स। मैंने बोला 25 ईयर्स की मेरी जो लड़ाई मैंने 78 में शुरू की थी आज सफल हुई है, पर वो था ओनली द सिद्धीज ऑफ नॉर्थ कैनरा। सिद्धीज हैं धारवाड़ में, गोवा में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, सब जगह हैं, पर ओनली सिद्धीज ऑफ नॉर्थ कैनरा द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर मेंशन बिकॉज ऑफ माई बैटल फॉर देम। तो बहुत खुश हो गए हैं इन लोग। पर उसके बाद शुरू हो गया, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में आके यहाँ बैठने लगे मेरे पास, दिल्ली आने लगे डेलीगेशंस में कि तुमने हम लोगों को क्यों छोड़ा। मेरा आई लॉस्ट द इलेक्शन इन 2004। मैं 99 से 2004 तक लोकसभा में थी, उसके पहले 24 years राज्यसभा में थी। बट इन 2004 आई लॉस्ट माई इलेक्शन, आई बिकेम जनरल सेक्रेटरी ऑफ द AICC। तो उधर आने लगे कि तुमने तो उन लोगों को कर दिया, हम लोगों को क्यों छोड़ दिया। यश, मैंने बोला तुमको तो पिटिशन प्रेजेंट करना पड़ेगा इसको एक्सटेंड करने के लिए। तो पूरी फिर मैंने उनकी तैयारी करके यहाँ से रेकमेंड करके भेज दिया। तब तक बीजेपी का सरकार यहाँ आया था। और अभी मैंने मुख्यमंत्री को लिखा, मैंने प्रधानमंत्री को लिखा, मैंने जो पेपर्स हमारे पास पड़े थे ये भेज दिए। यहाँ का कैबिनेट रेजोल्यूशन हो गया, दिल्ली को गया और अभी को इसको एक्सटेंड कर दिया। 2-3 महीने हो गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि इसी तरह के लोग हैं तो दूसरों को भी मिलना चाहिए, सो द अदर्स, इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू द अदर्स। ये काम उनका रिजर्वेशन का, अभी उनको एजुकेशन में रिजर्वेशन मिलता है, जमीन मिलता है, एसटी के सब स्कीम्स में उनको भाग लेने का मौका है, सर्विसेज में रिजर्वेशंस है, रेलवेज में रिजर्वेशंस है, हर डिपार्टमेंट में, कम्युनिकेशंस मिनिस्ट्री में, सब में उनको रिजर्वेशन है। तो उनकी तो जो परिस्थिति थी इतने पता नहीं कब से वो बदल गई, एंड दे आर नो लॉन्गर कंसिडर्ड एनक्रोचर्स बिकॉज फॉरेस्ट लैंड्स फॉर इनहेबिटेंट्स का हम लोगों ने पार्लियामेंट में, मैं उसमें भी कमिटी में थी, बहुत लड़े हम लोग टू गिव राइट्स टू फॉरेस्ट ड्वेलर्स। तो उसमें भी इन लोगों को जमीन मिलने का मौका मिला। और कहूँ तो बहुत से सिविल सर्विसेज में अपीयर हो रहे हैं, प्रोफेसर्स हो गए हैं थोड़े, और एक दो लड़के अभी PhD कर रहे हैं नॉर्थ कैनरा से। तो एजुकेशन अभी उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हुआ है, पहले चांस नहीं था, अभी तो उनको एजुकेशन में भी मौका मिल रहा है एंड दे आर वेरी ब्राइट, पास हो रहे हैं, आगे आ रहे हैं। पर कहूँ तो इस काम की वजह से मैं इलेक्शन हार गई, क्योंकि अपर कास्ट एंड ऑल दी अदर्स जहाँ ये काम कर रहे थे, जिनको ये सब लोग यूज़ कर रहे थे, गुस्सा हुआ कि ये महिला के वजह से हमारा पूरा हाथ से निकल गए ये लोग। और अभी देखिए पंचायतों में, तालुक पंचायत में जीत के आ रहे हैं और बैठ रहे हैं, चेयरमैन बन रहे हैं तालुक पंचायत का, और जिला पंचायत में भी रिजर्वेशन से उनके लिए। तो बहुत खुश हैं। मुझे तो, मैं उधर जाती हूँ, बोलते हैं कि तो आप तो हमारी देवी है।
कहाँ भी जाती हूँ, घर में फोटो डालते हैं या फूल रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझे। उसमें तीन कम्युनिटीज हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं। तो मेरे चुनाव में ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया बीजेपी ने, उन्होंने ये क्रिश्चियंस के लिए किया। क्रिश्चियंस के वजह से मैडम ने ये किया, तुम्हारे दूसरों के लिए नहीं किया। तो मुझे तो जा के बोलना पड़ा कि सबके लिए है ये, मेरे ये क्रिश्चियन लोगों के लिए ही नहीं है, ये रिजर्वेशन सबके लिए है ट्राइबल्स में। तो अभी तो पहुंचा है एंड आई कैन टेल यू दैट द फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट फॉर देम। दरवाजे खुल गए हैं तो आगे बढ़ने का, मैं उनको बार बार बोलती हूँ, अभी तो मैंने दरवाजे खोले हैं, अभी घुस के आगे बढ़ना, तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशंस को ठीक तरह से आप चला दीजिए, आपकी जो संगठन है, हिंदू मुसलमान और क्रिश्चियन मत बोलिए, हम सिद्धि लोग हैं, हम तो साथ में लड़ेंगे करके, तुमको तो एक समाज की बात करनी चाहिए, अलग अलग करने की कोशिश होगी पर मत छोड़िए, क्योंकि बहुत लोगों को नुकसान हुआ है तुम्हारे एसटी स्टेटस से, तो तुमको साथ में मिलके कड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे पूरे ये फैसिलिटीज तुमको पहुँचेंगे नहीं। दैट दे हैव अंडरस्टूड, उनका ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा भी बनाया, अभी बड़ा कन्वेंशन करना चाहते हैं मुझे बुला के, अभी सब दूसरों को भी मिला है ना, परसों आए थे, मैं गई थी किसी फंक्शन में, सब आए थे चार बसेस में स्टेज पे आके, माला लगा के पूरा उनका ड्रम्स सब लेके आए थे, उनका तो कल्चरल हेरिटेज बहुत स्ट्रांग है, और कभी बोलते हैं कि हम तो अफ्रीका के हैं, उनको वो ड्रम्स का इसका उसका बहुत शौक है, एंड देन दे डांस यू नो विद दोज ड्रम्स। मैं बहुत बार उनके साथ डांस भी किए हैं, उनके घरों में जाती हूँ, उनका खाना खाती हूँ, एंड देव अडॉप्टेड मी एज देयर ओन। और मेरे घर में तीन चार लड़कियाँ भी काम कर रही थी, या आती हैं कभी, जो भी मुझे मदद चाहिए आके मदद करते हैं। और परसों लॉरेंस ने बोला तुमको, परसों इलेक्शन हुआ पीएलडी बैंक का, उनकी बीबी जनरल सीट से जीत की आई है कांग्रेस की तरफ से, पूरे हार गए कांग्रेस वाले, एक भी नहीं आया, ये एक महिला निकली है लॉरेंस की बीबी, वो भी जनरल सीट से। तो इतना काम करते हैं तो लोग भी उनको मानते हैं, अभी मदद करने को तैयार है, मुझे बड़ी खुशी है। आई थिंक दे आर सॉर्ट ऑफ फ्यूचर इज नाउ गारंटीड, एंड मुझे तो बहुत सेटिस्फैक्शन है कि मैंने जो ये काम शुरू किया था 78 में, यहाँ तक पहुँचा है अभी।